नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी अपडेट में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त विजय जी। हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी अपडेट में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त विजय जी। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एडोब प्रीमियर प्रो में प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपना जो न्यू प्रोजेक्ट है वो कैसे बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ही आप इंस्टॉल कीजिएगा और खोलिएगा अपना एडोब प्रीमियर प्रो, तो इस तरह से दिखेगा। लेकिन यहाँ पे हमको प्रोजेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ऐसा चीज़ है कि आपको इंटरफेस में दिखेगा, जिसे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट है और यहाँ पे भी न्यू प्रोजेक्ट है। तो आप जहाँ से भी चाहें वहाँ से बना सकते हैं। तो चलिए, यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ से या भी फाइल में जा कर के भी आप बना सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे जो न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों कोई भी चीज़ अपना, जैसे टाइटल नेम है वो टाइटल रख लेते हैं। तो यहाँ पे रख लेते हैं हम विजय। तो विजय रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मैच सोर्स प्लेबैक, या फिर जैसे है वैसे डीवी फाइल है, यहाँ पे एसडीवी भी कर सकते हैं डीवी, लेकिन हम डीवी ही रहने देंगे यहाँ पे। उसके बाद सिंपल इसको ओके कर देंगे, फिर हमारा जो है वो प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाता है। इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट है। अब टाइमलाइन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे, और टाइमलाइन पे जाने के बाद हम कोई भी वीडियो यहाँ पे ले लेंगे। तो जैसे कोई भी एक प्लेबैक वीडियो ले लेते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे एक वीडियो इंपोर्ट कर लिए और इस वीडियो को हम यहाँ पे सिंपल उठाकर यहाँ पे रखेंगे, तभी हमारा सीक्वेंस बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस बनेगा वो जो हमारे वीडियो का टाइमलाइन है, तो हम इसको नहीं करेंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे अब नीचे यहाँ पे सिंबल आ रहा है, या फिर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे न्यू बीन है, न्यू सर्च है, ये फलाना में बहुत सारा ऑप्शन है, इसी में इसको थोड़ा हम लंबा करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक क्लिप आइकॉन दिख रहा है यहाँ पे, न्यू आइटम, तो इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सीक्वेंस का ऑप्शन आया है, तो सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे हम जा कर के अपना सीक्वेंस सेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए HDV पे हम करेंगे, और ये हमारा हो गया 1920x1080 वाला। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसका पूरा फॉर्मेट आपको देख सकता है दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 1440, लेकिन ये हमको नहीं चाहिए, 1920x1040 चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं 1080 है, 1920x1080 है यहाँ पे। तो देख सकते हैं ये 50i है, इस पर हम ओके कर देंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस बन के तैयार हो गया, और उसके बाद ये जो है वो हम उठाकर इस पे रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए चेंज सीक्वेंस, यानी इसका फॉर्मेट कुछ अलग था और मेरा जो क्रिएट किया है वो अलग है। तो यहाँ पे हम करेंगे अलग, और देख सकते हैं दोस्तों ये, हाँ यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये बहुत सारा चीज़ है, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि कैसे क्रिएट किया जाता है।